कि प्राचीन काल में अधिक बारिश होती थी, इसीलिए महात्मा संत तपस्या जंगलों में किया करते थे, तो वो लौट करके नगरों में ग्रामों में आते थे और गृहस्थियों के घर में 4 महीने बिताते थे, भोजन करते थे गृहस्थियों का, उनकी सेवा लेते थे, उसके बदले में उनको प्रवचन करते थे, उपदेश करते थे। साधु ही एक ऐसा है जो किसी का ऋण नहीं रखता, और सच्चा साधु वही है जो खाए जिसका, उसका उपदेश करे, उसको ज्ञान दे, जीवन सिखाए। गृहस्थियों का इसी तरह उद्धार हो जाता है। गृहस्थियों को चाहिए कि मौका पड़ने पर, समय पड़ने पर वो तत्पर हो जाएं सेवा में, और संत महर्षि ऋषियों को चाहिए कि वो तत्पर हो जाएं गृहस्थ का कल्याण करने के लिए। परस्पर दोनों पक्ष के तटस्थ हो जाते हैं तो संन्यास का भी धर्म निभ जाता है और गृहस्थ का धर्म भी निभ जाता है, दोनों धर्म अजयी हो जाते हैं। बंधुओं, अब दुर्भाग्य यह है कि कोई सन्यासी तपस्या जंगलों में नहीं कर रहा है, कलयुग है। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है कलयुग में सभी साधु सन्यासी ऐस आराम की जिंदगी जीना पसंद करेंगे। जंगलों में नहीं रहेगा कोई साधु सन्यासी, कोई कुटिया बना के तपस्या नहीं करेंगे, सभी एयर कंडीशन का जीवन जिएंगे। साधुओं का काल कलयुग ऐसा आएगा, और अब इस समय कलयुग ऐसा चल रहा है कि साधु पूर्ण साधन से युक्त है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के साधन जैसा साधु रहता है, ये कलयुग का ही प्रभाव है। पर इस कलयुग में जब साधु इस तरह जीवन जिएगा तो गृहस्थ का कल्याण कैसे होगा? गृहस्थ का तो कलयुग में घोर पतन बताया है, क्योंकि गृहस्थ में कोई धर्म का पालन नहीं होगा तो उसका पतन होगा, तो कैसे उद्धार होगा? तब भगवान व्यास कहते हैं कि कैसे भी साधन के साथ साधु रहता हो और गृहस्थ का चाहे जैसा पतन हो रहा हो, पर जैसे ही चातुर्मास का प्रारंभ हो, श्रावण मास, भाद्र मास, कार्तिक मास, मार्ग मास प्रारंभ हो, तो गृहस्थियों को कथा सुननी चाहिए और साधु को कथा सुनानी चाहिए, दोनों का कल्याण हो जाए। अब साधु संत तपस्या नहीं करते, अब उनकी तपस्या खाली उतनी है कि वो जो भी संयम धर्म निभाते हैं अंदर से, वो अलग बात है। समय के साथ हर चीज बदलती है। साधु चाहे जितना भी साधन में रहे, सुविधा में रहे, पर फिर भी साधु गृहस्थ से उत्तम जीवन जीता है। साधु के जीवन में साधन के साथ भी त्याग रहता है। साधु चाहे आपको कितना भी भोगी दिख रहा हो, पर अंदर से उसमें त्याग हमेशा रहता है। और साधु और गृहस्थ में अंतर हमेशा रहेगा। कैसे फर्क? आप तो रोज अपने जीवन में रोज देखते हो, और भी साधुओं को आप देखते हो, हमें भी देखते हो, और उसका निर्णय भी करते हो कि हम में और गुरुजी में क्या अंतर है, हम में साधुओं में क्या अंतर है, ये सबको समझता है। एक महात्मा ट्रेन में सफर कर रहे थे, महात्मा के पास में बहुत सारा सामान था, सीट लदबद भरी थी, महात्मा को बैठने को खुद को जगह नहीं थी, इतना सामान। एक दो स्टेशन निकला, एक बनिया बैठा सेठ, उसके पास भी बहुत सारा लगेज, बहुत सारा सामान। जिस सीट पर महात्मा बैठा उसके बगल वाली साइड की सीट पर बनिया का रिजर्वेशन,
बनिया ने आकर देखा, सामान नहीं रखा, तब तक तो बनिया हाय हाय करने लगा। घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। बनिया के मुंह से वही वही शब्द निकले, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। किसी को समझ नहीं रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। लोगों ने पूछा, महाराज क्या बात है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि घोर कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। तो क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, देखो महात्मा का हाल, महात्मा का देखो कितना सामान है, 5 सूटकेस, 5 बैग, 5 बोरियां, ये वो इतना सारा सामान। अरे जितना मेरे पास सामान है उतना महात्मा के पास सामान है, तो फिर महात्मा में और मुझ में क्या अंतर रह गया। अंतर अगर कुछ रह गया तो कपड़ों का अंतर है, बाकी महात्मा और हम में कोई अंतर नहीं है। महात्मा हमारे जैसा ही भोगी है, महात्मा हमारे जैसा ही विलासी है। महात्मा बहुत सुलझी हुई और बहुत अकलमंद और विद्वान थे। महात्मा ने बनिया की बात का बुरा नहीं माना और धन्यवाद दिया बनिया को। कहा, महाराज सेठ जी आपने आंख खोल दी, मेरी तो आंख खुल गई आज। आपने जो उपदेश दिया है मुझको सुन करके मैं धन्य हो गया। आपने सही कहा, मुझ में और आप में केवल कपड़े का अंतर है। मैं साधु संन्यासी त्यागी घर बार परिवार छोड़ करके इतना सारा आडंबर लेकर घूम रहा हूं, क्या अंतर है मुझ में और आप में। आपने मेरा आज सब कुछ अच्छा कर दिया, मेरे तो आज आपने विवेक कर दिया, मेरा तो अंतर चक्षु खोल दिया आपने। महात्मा में और बनिया में दोस्ती हो गई। एक दो स्टेशन निकला, गाड़ी रुकी पानी वानी भरने के लिए 10-5 मिनट। साधु ने बनिया से कहा, चलो बैठे बैठे क्या करेंगे, बाहर घूम के आए, चाय पानी कर आए। साधु के साथ में बनिया चल पड़ा। साधु को अंतर बताना था गृहस्थ में और साधु में। नीचे उतार लिया ट्रेन से, पानी पिलाया, बिस्किट खिलाया, चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, शरबत पिलाया। 10-15 मिनट रेल के जो थे वो खत्म हो गए। अब रेल सीटी मारे और रेल चालू हो गई। बनिया को पता चला रेल चालू हो गई, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, अरे महात्मा जी, अरे साधु जी, रेल चल गई, रेल चलो 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 चलो। महात्मा ने कहा, हाथ पकड़ लिया बनिया का, अरे कहाँ बैठो यार, ये रेल का क्या काम है, ये तो स्टेशन है, यहां तो रेल आती है और जाती है, आती है और जाती है, ये भी चली जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है, बैठो चाय पियो, बैठो, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ कर। अरे भैया मेरा सामान, मेरा सामान, दुनिया भर का मेरा सामान है, सामान तुमको नहीं पड़ी है, मेरा सामान, सामान। महात्मा ने कहा, क्या करना सामान का, क्यों सामान सामान चिल्ला रहे हो, अरे जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी तो है, क्या टेंशन ले रहे हो, बैठो बैठो। साधु ने कहा, गृहस्थी सेठ जी अब आपको समझ में आ रहा है कुछ, साधु में और गृहस्थी में क्या अंतर है। बनिया चिल्लावे, पैरन में गिर के पाम पकड़ लिए, कहा महाराज पूरो समझ में आ गो अंतर, क्या अंतर है। तो कहा, क्या अंतर है बताओ। तो गृहस्थ कहने लगा, बनिया कहने लगा, अंतर यह है कि सामान चाहे साधु पे गृहस्थ की बराबर हो, पर साधु सामान को कभी भी छोड़ सकता है, पर गृहस्थी सामान को कभी छोड़ नहीं सकता। समय के साथ में संसार बदलता है, व्यवहार बदलता है। साधु की बराबरी कभी गृहस्थ नहीं कर सकता। साधु के पास में सबसे बड़ा त्याग तो यही रहता है कि वो उस तरह के कपड़े पहन लेता है जिस तरह के कपड़े आप कभी नहीं पहन सकते। मेरा जो आश्रम है ये हमारा, इसमें 3-4 लोगों को मैं कहता रहता हूं कि भाई पैंट मत पहना करो, आश्रम में रहते हो कम से कम ऐसे कपड़े पहनो स्वदेशी, बाहर कहीं जाओ मरो तो पैंट वेंट पहन लो, पर आश्रम में काम करते रहते हो, सेवा करते हो, नहीं
जिसमें मेरे खुद के भी नजदीक के लोग हैं जिनको मैं समझाता हूं, पर उनकी माथे पे बीजरी पड़ी हुई है, कपड़े नहीं पहन पा रहे, इतना फर्क है साधु में और संसारी गृहस्थी में। साधु का कपड़ा देखो, आप लोगों से महंगा तो मेरा कपड़ा है, आप ही लाते खरीद के, मैं तो नहीं खरीदता। और जब आप खरीदते तो उसका प्राइस भी आपको मालूम है, आप लोगों के कपड़े से महंगा ही रहता है। अच्छा, मैं अपना कपड़ा दान भी करता हूं माता बहनों को, फिर वो क्या करते हैं, घर पे जाके कटवा के सूट सिलवा में सूट। मेरे को लगा कि ये ऐसे पहनेंगे मेरी जैसे, पर पता चलता है कि वो सूट बनवा लिया, उसने शर्ट बनवा ली। गुरु का प्रसाद इस तरह पहनना चाहिए, कोई बात नहीं, भाग्य है गुरु का वस्त्र मिल जाए, गुरु का कोई भी भोगा हुआ सामान मिल जाए, शिष्य के लिए वो अधिकार भी और भाग्य भी होता है कि हम उस तरह का जीवन जीते हैं कि उनका हमें प्रसाद मिलता है, तो हमारी आयु बढ़ती है उससे, हमारा जीवन अच्छा जाता है उनके प्रसाद को भोगने से। तो आप कैसे भी पहनो, पर कितना सारा बल चाहिए कपड़े बदलने को, मेहनत करने को। साधु के भेष में भी रहना बहुत कठिन है। गृहस्थ का कल्याण कैसे होगा, साधु का कल्याण कैसे होगा, तो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि हे राजन, दोनों का कल्याण कलयुग में तब होगा जब दोनों चातुर्मास में भगवान श्री हरि नारायण की कथा का गायन करेंगे साधु लोग और गृहस्थ लोग श्रवण करेंगे, तो निश्चित कल्याण हो जाएगा। अब चातुर्मास में बहुत सारे महात्मा करते हैं चातुर्मास, पर वो चातुर्मास कैसा करते हैं, कुछ एकांत में रहते हैं, कुछ मौन रहते हैं, कुछ लोग मौन नहीं रहते, खाते पीते हैं, आश्रम नहीं छोड़ते हैं, एक ही जगह रहते हैं। अब मतलब नाम के लिए चातुर्मास लोग करते हैं, पर पहले चातुर्मास बिना उपदेश के नहीं करते थे। चार महीने निरंतर बारिश होती थी, एक भी मिनट खाली नहीं जाता था। हम जब छोटे थे तब भी हमने देखा, चार चार पांच पांच महीने दिवाली तक बरसता रहता था, एक दिन खाली नहीं। पशु पक्षियों के पैर गल जाते थे, भैंस गायों के पानी में कीचड़ में, इतना बारिश हुआ करती थी महाराज। आदमी घर में पड़ा पड़ा मोटा हो जाता था, मेढक की तरह फूल जाता था, इतना मोक्षर। वहां से ही कथाओं का प्रचार शुरू हुआ। भागवत की कथाएं ज्यादा से ज्यादा पहले जेठ में और आषाढ़ में हुआ करती थी। बारह महीने भागवत नहीं चलती थी पहले। गेहूं कट गए, फसल आ गई, किसान के पास में धन आ गया, तो कथा होती थी, गांव मिलकर के कथा करवाता था पूरा गांव मिलकर। अब आज ये नौबत आ गई है, आज ये समय आ गया है कि हर एक व्यक्ति को कथा करवाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को कथा सुनना पड़ेगा, हर व्यक्ति को यजमान बनना पड़ेगा। कलयुग इतना चरम पर है कि हर व्यक्ति के जीवन में निरंतर संकट बढ़ रहे हैं, निरंतर चिंता बढ़ रही है, निरंतर बीमारियां बढ़ रही हैं। हर एक व्यक्ति को प्राण पढ़ना पढ़ाना पड़ेगा। जैसे ये कथा हो रही है, चार लोग मिलके कर रहे हैं, ऐसे ही आप सब लोग भी मिलजुल के कर सकते हैं कथा, थोड़ा थोड़ा। ज्यादा पड़ जाता है लोड तो दो मिल लो, तीन मिल लो, चार मिल लो, पांच मिल लो, छह मिल लो, जितने ज्यादा सदस्य उतना खर्चा कम, हिस्सा कम। तो मुझे लगता है मिलजुल के कथा करेंगे तो हर एक आदमी को कथा करने का कई कई बार अवसर प्राप्त हो सकता है, कई बार।
जीवन में बहुत बड़ी बात नहीं रहती 4-5 लाख रुपए। अब वृंदावन में टिमटिम चलाने वाला 1200-1400 रुपए कमा लेता है, खर्चा काट के। अब कुछ बचा नहीं है 4-5 लाख रुपए का। आप घर के लिए कुर्सी टेबल सोफा खरीदने जाओ, खर्च हो जाते उतने। इसीलिए जीवन में प्रयत्न करो, चाहे जितना भी समय निकल जाए, पर एक बार कथा जरूर सुनो, कथा जरूर करो, अपने सिर पर जरूर ग्रंथ रखो, पोथी रखो, जरूर यजमान बनो। और ये सौभाग्य मत जाने दो, जाओगे संसार से तो भगवान तुमसे ये प्रश्न करेगा कि तुम गए, तुम्हें बहुत समझाया महात्मा संतों ने, आचार्य पंडितों ने, पर तुमने एक ना सुनी, कभी तुमने मेरी कथा नहीं सुनी, कभी काया नहीं, कभी तुम आयोजक यजमान नहीं बने, कभी तुमने धर्म का आयोजन नहीं किया, कभी धर्म संस्थापन अर्थाय नहीं किया, तुमने कभी ये नहीं कहा कि हम धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। हे कृष्ण हे राम, जैसे आप आए थे समाज के लिए, वैसे हम आए हैं, आपने हमें भेजा है। हमने सूत्र आज की कथा का क्या है वो आप समझ जाओ। सूत्र आज की कथा का यह है कि गृहस्थ में और साधु में क्या अंतर है। एक दृष्टांत दिया ट्रेन वाला, उससे समझ में आया। दूसरा, कैसे कल्याण होगा साधु का कलयुग में। कलयुग में तो साधु ऐश्वर्य युक्त है, साधना युक्त नहीं है, साधन युक्त है। साधु के पास में बहुत सारे संसाधन हैं जो साधु के लिए शोभा नहीं देते, फिर भी अच्छी गाड़ी, अच्छा कमरा, अच्छा रहन सहन, अच्छे कपड़े, ये सब आज के युग में जरूरी है, क्योंकि आज का युग दिखावे का युग है, कल का युग है रूप रंग का युग है। आप जितना ज्यादा दिखावा कर लेंगे, आडंबर कर लेंगे, आपको जनता उतना ज्यादा मानेगी। है अभी आडंबर की वजह से आपने देखा ना, कोरोना काल में 2-4 पंडितों को कितनी वाह वाह प्राप्त हो रही है। दिखावा कर दिया, समाज मानना शुरू कर देता है। समाज का दोष नहीं, पंडित का दोष नहीं, ये समय का दोष है, कलयुग का दोष है। समय के साथ व्यक्ति का विचार बदलता है। आज का समय यही है। आप सादा सिंपल हो जाइए तो आप कथा सुनते हैं सुरुचि और सुनीति की। सुनीति बहुत सुंदर थी पर सादा रहती थी, सुरुचि सुंदर ज्यादा नहीं थी पर चटक मटक से रहती थी। तो राजा हो गया सुरुचि का, सुनीति को पटक दिया कोने में ले जाके भूसा घर में, दासी कह दिया उसको। तो समय के साथ में संसार व्यहत होता है, विकृत होता है, स्वीकृत होता है। तो आज का जो युग है वो बस दिखावे का युग है। आप कितना ज्यादा प्रस्तुति कर सकते हैं समाज को, वह युग आ गया है। इसीलिए एक गीत आपने सुना होगा कैसेट में, हमने सुना है, वो एक लाइन में गाता हूं, आपको आएगा तो गाएगा, दलवीर आता होगा तो, और आप सब जानते होंगे कलयुग का जो गीत है, मैंने सुना, ऐसे ही सुना था, गाड़ी में जा रहा था तो कानों में पड़ा, उसकी लाइन याद आ गई है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो अब कहां जाऊं, घर घर में तो रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं।
जितने बीमार लोग हैं उतने डॉक्टर नहीं होते, ये ध्यान रखें। एक मरीज के पीछे एक डॉक्टर अगर हुआ तो फिर कोई मरीज दुनिया में ठीक नहीं हो सकता। एक डॉक्टर अनेक मरीज, इसीलिए रावण चाहे कितने भी हों, राम एक ही काफी है। ये तो जो भजन जिसने लिखा होगा उसने पीड़ा देखी है अपने कलयुग में, समाज को देखा, व्यक्तियों को देखा, चाचा के लड़के को देखा, ताऊ के लड़के को देखा, सब रावण 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 दिख रहे हैं। रावण का मतलब समझते हो? रावण का मतलब यह है खाने के लिए घर में नहीं है आटा, हाँ? और घर के बाहर निकल के लोग करते हैं बाय बाय और हेलो हेलो बाय बाय बाय, और चूहे घर में मर रहे हैं औंधे होके भूखे प्यासे। घर घर में तो रावण बैठा, इतने राम कहां से राम। घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से राम। रात को 9 बजे ट्रेन है मथुरा से हरिद्वार, 10:30 बजे अब तो निकल गई, रात को है, चिंता मत करना है, आराम से कथा सुनो, आराम से खाना खाओ, आराम से बैग भरो। इतने राम कहाँ से लाऊं, घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। एक बार इसी लाइन को दोबारा गा लीजिए, भजन पूरा हो गया ऐसा समझो। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता भी मिल जाए, राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन को जाए, जो आज्ञा ले बन को जाए, जो आज्ञा ले बन को जाए। भरत लखन से भाई, हाँ भरत लखन से भाई, दूर कहाँ से मैं लाऊं। घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। भारत में कितनी मोटरसाइकिल होंगी? अंदाज लगाओ। मेरा अनुमान है 60% लोगों पे मोटरसाइकिल है, 100 में से 60 लोगों पे मोटरसाइकिल है, 142 करोड़ जनता है, उसमें से 120 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ग्रस्त है, गाड़ी खरीद सकते हैं, पर तो भी 80-85 करोड़ मोटरसाइकिल होंगी भारत में। पर जितनी मोटरसाइकिल हैं उतने गैरेज, उतने मिस्त्री होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिस्त्री जो है वो बहुत सारे क्षेत्र को अकेला कवर कर सकता है, जैसे थाना, कोर्ट, तहसील ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, हर आदमी के लिए अलग अलग पोस्ट ऑफिस नहीं चाहिए। पर ये भक्ति का ये जो भजन है ये पीड़ा से भरा हुआ है, किसी ने जो लिखा होगा, पता नहीं किसने लिखा है, मैंने तो सुना तो समय आया तो मैंने आज गुनगुनाया, आपके सामने रखा एक लाइन को, इससे ये बताने का प्रयत्न किया मैंने कि आज का जो समय है ये ऐसा है।
हर घर में ये बीमारी है। माथे पे माथा चढ़ाकर आदमी बैठा है, और माथे पे माथा चढ़ाने का मतलब है रावण बनकर बैठा है। अब इतने राम कहां से आएंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए क्या करें गुरुदेव, फिर अब आप ही बताओ। तो अब सुनो, महात्मा इंद्रदेव आपको समझाने की कोशिश करेंगे व्यासपीठ से। आप ऐसा कीजिए कि राम एक ही काफी है, क्योंकि जितने भी रावण रूपी विचार हैं उन सारे विचारों को मारने के लिए राम के कथा रूपी विचार ही आपके काम आएंगे। भागवत का एक विचार एक राम, भागवत का एक शब्द एक राम। क्योंकि कहते हैं भगवान जब विदा हो रहे थे तो श्री व्यास जी की कलम में जो अक्षर निकल रहे थे उन अक्षरों में कृष्ण समा रहे थे, तो एक अक्षर भागवत का कृष्ण है। इसीलिए कितने कृष्ण हैं, कितने कृष्ण हैं आप गिन नहीं सकते, इतने कृष्ण है। और कहेंगे महाराज ये तो हो गई समझाने की बात, वास्तव में सच में है क्या इतने कृष्ण? तो शास्त्र कहता है एको अहम बहुश्यामी, भगवान गोपियों के लिए अनेक रूप धारण कर लिए, तो आपके लिए भी वो समय आने पर अनेक अनेक हो जाएंगे, घबराना नहीं। अभी समय शायद नहीं आया, इतना कलयुग नहीं आया, यह थोड़ा बहुत अभी बाकी है। मान मर्यादा शरम हिचक झिझक डर भय, जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तब शायद वो समय आएगा जो भगवान ने अर्जुन को कहा। साधु नाम च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के नाश के लिए। संभवामी युगे युगे, हे संभिता अर्जुन मैं आता हूं हर युग में। आज भगवान कहां है कथा में, भूल गए के याद है कथा? आज भगवान कहां है, मधुवन में, श्री वृंदावन में। भगवान की पूजा हो रही है, जय जयकार हो रही है, सारा वृंदावन भगवान को उठाए उठाए घूम रहा है, जय 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 करते। भगवान का मनोहर नाम भी रख दिया वृंदावन विहारी, वृंदावन में विहार करने वाले, रमण करने वाले, वास करने वाले भगवान सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गए। वृंदावन के ऋषि महर्षियों ने श्री बालक को, नंद के लाला को पूज दिया। अब पूजते से ही जय जयकार की हल्ला मच गया पूरे ब्रज में, सारे ब्रजवासी वृंदावन की ओर दौड़ पड़े उस चमत्कार के दर्शन करने के लिए। मुझे लगता है ये जो कहावत है तब से शुरू हुई होगी, चमत्कार को नमस्कार। बालक का चमत्कार देखा, क्या चमत्कार देखा बालक का? बीच जमुना जी में भयंकर बाढ़ में 9 साल का बालक सांप के ऊपर खड़ा होकर नाच रहा है, तो ये चमत्कार है भाई साहब। 9 साल का बालक सांप को पकड़ ले वो अलग बात है, ये चमत्कार नहीं है। पर भर भंडार जमुना जी में बीचा बीच माथे पे खड़ा होकर नृत्य करे और बांसुरी बजाए तो फर्क पड़ता है। सारे ब्रजवासियों ने मधुर मधुर बांसुरी को सुना, सब दीवाने हो गए, पागल हो गए। सारा ब्रज वृंदावन की ओर टूट पड़ा, जंगल में मंगल हो गए, वृंदावन परम धाम बन रहा है, परम तीर्थ बना रहे कन्हैया जी, अपनी लीलाओं से वृंदावन को पूजवाते चले जा रहे। अब तो केवल बिहारी जी नहीं, ब्रज में ऐसा हो गया कथा में,
कि जो भी वृंदावन आ रहा है वो वृंदावन की सीमा में घुसने से पहले दंडवती करे वृंदावन को। ये धरती कितनी पावन है, जहां भगवान श्री नारायण पधारे लीला करने, गिरधारी गिरवर नटवर पधारे, सारे ब्रजवासी धरती को प्रणाम करें, क्षेत्र को प्रणाम करें। अब ये सवरो क्षेत्र श्री क्षेत्र धर्मस्थ बन गया। महाराज, व्यक्ति के साथ में समय और जगह की भी महिमा बढ़ती है, ध्यान करें आप। जगह की महिमा भी मनुष्य बढ़ाता है। जगह को सम्मान, जगह को अपमान मनुष्य दिलाता है। बताइए, मुरैना जिला, ग्वालियर जिला, भिंड जिला, वहां पर एक नदी है चम्मिल नदी है। भिंड जिला की चम्मिल नदी का नाम लेकर के अगर आज भी कोई नाम लेवे चम्बल भिंड जिला, तो आदमी के दिमाग में अच्छा कुछ नहीं आता, खाली सब खराब खराब आता है। भिंड चम्मिल, ओ, ओ, क्या हो गया वहां? अरे भैया, वहां तो भिंड में, अरे अरे इटावा, ओ। अब जो लोग यहां के हैं वो समझ रहे हैं, पर जो लोग आए हैं दूसरे राज्यों से वो थोड़ी समझ रहे हैं क्या है उसमें। ये जो चम्मिल नदी है, भिंड जिला ग्वालियर के नजदीक, इटावा का जिला का कुछ भाग, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कहा उस समय डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था, तो लोग उसे उसी दृष्टि से देखते हैं। कितना भी सुधर गया, कितना भी अच्छा हो गया, लंका को देख लो, 10 लाख वर्ष हो गए बदनामी को प्राप्त हुए, लंका का नाम लिया कि लोगों के दिमाग में रावड़ी आवे सीधो। अच्छा बोलो, अयोध्या का नाम लिया तो क्या आवे? जगह की महिमा। व्यक्ति से, एक व्यक्ति जगह को पुजवा सकता है और एक व्यक्ति जगह का अपमान भी करा सकता है। व्यक्तियों की वजह से ही तो चम्मिल नदी, भिंड जिला, मुरैना जिला, ग्वालियर जिला बदनाम हुआ, व्यक्तियों की वजह से। नदी तो सर्वत्र वही चम्मिल बह रही है राजस्थान कोटा से, पर जगह के हिसाब से बदनामी प्राप्त हो रही है। अभी कुछ नहीं है ऐसा, पर एक बार जो बदनामी है वो लंबे समय तक जुताई करती है, लंबे समय तक खिचड़ती है, चलती रहती है। इसीलिए ज्यादा लंबा न खींच कर मैं कथा को थोड़ा सा सही कर लेता हूं। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि जब यश भगवान का फैलने लगा तो बरसाने की श्री राधा को भी पता चला, सखियों के माध्यम से। बरसाने के भी नर नारी आए, वृंदावन दर्शन करके गए, तो उन्होंने गांव में चर्चा की तो श्री वृषवान नंदिनी को पता चला। तो वृषवान नंदिनी ने ध्यान से देखा तो वो समझ गई वो कोई नंद का लाला नहीं है, वो कोई गोपाला नहीं है, वो कोई मुरलीधर नहीं है, वो तो मेरो प्रीतम है, मेरो पिया है, वो मेरो सावरो है, वो मेरो श्याम है। राधा ने अद्भुत नाम, अनंत नाम दिए भगवान को। अब आप समझो, राधा ने अपनी सहेलियों को बताया, सहेलियों ने पूछा इतनी उतावली बावली क्यों हो रही है, क्या हो गया है? तो कहा इसलिए हो रही हूं कि तुमको ना पतो, बता क्या है? तो राधा ने कहा यह है कि मेरा पति आ गया है ब्रज में। बोलो, तुम में से कोई भी लड़की कुंवारी ऐसी है जिसको ये पता हो कि मेरा पति जन्म ले लियो है नोएडा में, दिल्ली में, फरीदाबाद में, कलकत्ता में, मथुरा में, दाऊजी में, कहीं अकाड़म झगड़म, किसी को पता रहता है ऐसा कि मेरा पति पैदा हो गया? तुमको पता नहीं रहेगा ना? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि तुम जीव हो, तुम जीव हो, जीव हो। और वो कौन है राधा? वो ब्रह्म है, परमात्मा है, उनको तो सब पता है। पता चला मेरे पति आए हैं वृंदावन में, मेरे प्रीतम आए, पिया आए हैं।
सखियां जीव थी, सखियों ने मुंह पे हाथ रख लियो, अचंभा करने लगी, ओ ओ बावड़ी मुंह बंद कर ले, ताऊ चाचा सुनेंगे तो कहां कहेंगे तेरे बारे में, ऐसी घनौनी बात कर रही है, गंदी बात कर रही है। पुराने जमाने में इन बातों को गंदा मानते थे, कोई हमें बुरा ना देखे, इसीलिए पुराने जमाने में विवाह के बाद भी लड़की पति से मिलती नहीं थी, माँ बाप के सामने, उनके सामने देख नहीं सकती पति को। पति आ जाए ससुराल में तो कन्या भीतर के कमरा में छुप जाए, निकले ही ना। इतना संकोच, इतनी शर्म, इतनी लज्जा, इतनी हया, और इतना सब कुछ अच्छा, इसीलिए कोर्ट में एक भी केस नहीं पति पत्नी का। और जब से ये शर्म गई है तब से कोर्ट में आधे केस तो पति पत्नी के ही चल रहे हैं। जिन रिश्तों में पर्दा है वो रिश्ते लंबे समय चलते हैं। सखियों ने कहा तू पागल हो गई है, और चुप कर, ऐसी घिनौनी बात मत करे। हमारे ब्रज में क्या बोले मालूम है इन बातन को, कहते हैं बक बक बक, कौन सी कहमे, बकनी बात, ब्रज में कहमे बकनी बात मत कर, कान पक जाएंगे। तो श्री राधा को समझा रहे हैं, तेरे कान पकेंगे होली में ऐसी बातन करेगी तो तू अभी ती छोरी नेक्सी सी है और पति पति कर रही है, बावली हो रही है। तेरी मैया को पता चलेगा तो बड़ी पिटाई होगी, तेरे पापा को पता चलेगा तो। सखियो तुम ना समझोगी, ये तो सिर्फ मैं ही समझूंगी, तुम ना समझ पाओगे, क्योंकि सच बात है, इन आंखों में वो नूर कहां जो ब्रह्म को पहचाने, पिया प्रीतम को पहचाने। और महाराज ये आंखों से कोई प्रिया को पहचान लेता है ना, उसे संसार में फिर दूसरे किसी प्रिया में चित नहीं लगता, उसके लिए दुनिया में कोई पिया प्रीतम नहीं होता है, फिर एक प्रिया प्रीतम जो पहचान में आ जाए। यदा दृश्यम न मानवस्य कर्मम भूतस्य जातां पतिरेक आशीत। एक ही लीला है ये परमात्मा के। बहुत दिन के बाद में हमने गाया नहीं है, 1.5-2 साल से, आज वो भजन गा करके आपको बताएंगे राधा के बारे में। है वैसे तुम्हारा सबका गाया हुआ गीत है, पर हमने नहीं गाया है, 1.5 साल हो गया कम से कम। चलिए आज उसी को गाकर बताएंगे। श्री राधा निकल पड़ी अपने बरसाने से प्रिया प्रीतम को ढूंढते ढूंढते, और श्री राधा के मान और सम्मान की बात हो गई है। अगर आज प्रिया वर्तार ना मिले तो ब्रसवान की नगरी में राधा का मान कम हो जाएगा ब्रज में। तो श्री राधा यत्र तत्र सर्वत्र जंगल में भ्रमण कर रही है और ललकार रही, आवाज कर रही है, हे काना हे प्रीतम, हे श्याम हे सावरे, तुम कहाँ हो। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ओह राधा,
तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। तीन बार गा लल्लू लाइन है, अरे मथुरा में देखा राधा, मथुरा में देखा, मथुरा में देखा राधा, मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। अरे लल्लू रुक जा, लाइन बदल लें, जल्दी आएगो मथुरा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, गोकुल में देखा श्यामा, गोकुल में देखा, गोकुल में देखा श्याम, गोकुल में देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढी रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढी रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, मथुरा में देखा श्याम, मथुरा में देखा, मथुरा में देखा श्याम, मथुरा में देखा। कंस को मारते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, कंस को मारते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढी रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढी रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम हमने यमुना पर देखा, राधा तेरा श्याम हमने यमुना पे देखा, यमुना पे देखा पंडित जी देखा, यमुना पे देखा श्याम, यमुना पे देखा। अरे लाला मिठल मित्तल जी, बैंत रख दो बैंत, क्या बात है, सिर दुख रहा? अच्छा कोई बात नहीं है। नाथ नताते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, ओ नाग नताते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढी रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढी रही। Thank you.
तेरा श्याम हमने मधुबन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मधुबन में देखा, मधुबन में देखा मधुबन में देखा, मधुबन में देखा श्याम मधुबन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मधुबन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मधुबन में देखा, बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, क्या बात है शर्मा जी, देख लो बीमारी कम हो गई कि नहीं, आखिरी लाइन रह गई है, जितना मटकना मटक ले। मधुबन में देखा राधे, मधुबन में देखा, 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 रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। प्यारे बंधुओं, बैठ के सर्वानंद लूटिए थोड़ा सा। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन आज वृषवान नंदिनी बरसाने से चल पड़ी रात्रि के अंधेरे में, बिना डर बिना भय के परमात्मा से लग गई प्रीत, सारा का सारा संकल्प सिद्ध करने के लिए भगवती का वृंदावन आगमन हुआ। राधा अकेली हैं, सारी सखियों ने हाथ छुना लिया राधा से, और ये भक्ति का सफर ऐसा है बहनों भाइयों, इसमें साथ नहीं देता कोई। थोड़ी देर तो इसमें लोग चलते हैं साथ में, कहां तक? बिहारी जी का मंदिर, परिक्रमा, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये क्या है? जैसे मानो फीता कटवा लिया किसी से, ये ओपनिंग है भक्ति का, उद्घाटन। बिहारी जी के मंदिर गए, ढोक मार दी, ये उद्घाटन हो गया, प्रारंभ हो गया भक्ति का, भगवान शुरू हो गया। अब यहां से आगे भक्ति चलना है, प्रारंभ करना है, तो आप देख लेना, आप अगर वहां से आगे अगर बढ़े
तो सारे सखा सखियां एक एक करके छूटते चले जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। अच्छा हाँ, मंदिर से कमरे में आना हो तो सखी संग आ सके, क्योंकि खेल खत्म पैसा हजम। पर आपको आगे बढ़ना है भक्ति में तो फिर अकेला रह जाना पड़ेगा। मैंने कल कहा था कि भक्ति ऐसा कर्म है कि इसमें घर वाले परिवार वाले दुश्मन हो जाते हैं, भक्ति ऐसा कर्म है कि इसमें भक्त अकेला हो जाता है, और जब अकेला हो जाता है तो अनेक सारे संघर्ष उसे झेलने पड़ते हैं, अपमान के, बेइज्जती के, कलंक के, बदनामी के, और सबको पचा के जो आगे निकल जाएगा फिर भगवान उसके चरण चूमने आते हैं, फिर उसे सारी दुनिया चूमती है, पूछती है महाराज।